अकाली दल को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, और बीजेपी को वोट देना मतलब अकाली दल को वोट देना। अकाली दल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, अकाली दल भी मोदी की पार्टी है, बीजेपी भी मोदी की पार्टी है। कोई प्रधान रहा बीजेपी का, कोई सचिव है बीजेपी का, कोई एमएलए रहा बीजेपी का, कोई मंत्री रहा बीजेपी का, यानी कि पूरी तरीके से लॉक स्टॉक एंड बैरल बीजेपी अपनी पार्टी छोड़ ये नेता अकाली दल में शिफ्ट हो रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, हम सब इस बात के जानकार हैं, हमें पता है कि दिखावे के लिए अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एसएडी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया और अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूं और मैं अभी प्रूफ करूंगा कि आज भी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन अलायंस पंजाब में बरकरार है। पूरी तरीके से बीजेपी और अकाली दल साथ मिलके इलेक्शंस लड़ रहे हैं और इनकी अलायंस जो एक एक्सप्लिसिट अलायंस थी अब वो एक इम्प्लिसिट अलायंस बन गई है। विजिबल अलायंस एक इनविजिबल अलायंस बन गई है, लेकिन आज भी उनकी अलायंस जारी है। हम सब ये बात जानते हैं कि जब से ये तीन काले कानून केंद्र में बैठी भाजपा सरकार मोदी सरकार लाई, तब से लेकर आज तक भाजपा के नेताओं को, बीजेपी के आगुओं को, फॉर्मर मंत्रियों को, एमएलए को, चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तक को पिंडों में वड़ने नहीं दिया जा रहा, जाने तक नहीं दिया जा रहा। लोग उन्हें अपने गली मोहल्ले में नहीं देखना चाहते, दरवाजा नहीं खोलते हैं, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। इतनी नफरत हमारे पंजाब सूबे के हम सब लोग बीजेपी से करते हैं। तो बीजेपी जब डायरेक्टली सामने आकर इलेक्शन नहीं लड़ पा रही है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच जाकर वोट नहीं मान पा रही है, तो बीजेपी ने फैसला लिया और बीजेपी ने यह फैसला लिया कि वो अपने सारे लीडर्स को, सारे आगुओं को, नेताओं को, वर्कर को, काडर को पूरी तरीके से लॉक स्टॉक एंड बैरल अकाली दल में शिफ्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि बीते कुछ हफ्तों से लगातार शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के नेताओं का स्वागत करके उन्हें अपनी पार्टी में ला रहा है। हमने देखा बीते कुछ दिनों में कई सारे पूर्व विधायक, फॉर्मर एमएलए बीजेपी के साथ अकाली दल को ज्वाइन किया उन्होंने। बीजेपी के कई बड़े नेता आज, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए अनिल जोशी जी हैं अमृतसर से, वो आज शिरोमणि अकाली दल जा रहे हैं, मोहित गुप्ता जा रहे हैं, कमल चैटी जा रहे हैं, आरडी शर्मा जा रहे हैं, राजकुमार गुप्ता जा रहे हैं, सुरिंदर शिंडी प्रधान जा रहे हैं, सरदार हरजीत सिंह भुल्लर साहब जा रहे हैं, अमन आरे जा रहे हैं, सुमित शास्त्री जा रहे हैं, विक्रम लक्की जा रहे हैं, विक्रम आरे जा रहे हैं। इनमें कुछ जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, कोई प्रधान रहा बीजेपी का, कोई सचिव है बीजेपी का, कोई एमएलए रहा बीजेपी का, कोई मंत्री रहा बीजेपी का, यानी कि पूरी तरीके से लॉक स्टॉक एंड बैरल बीजेपी अपनी पार्टी छोड़ ये नेता अकाली दल में शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी में लेकर अगर चेहरा दिखाकर वोट लेने जाएंगे तो शायद वोट ना मिले, लेकिन अकाली दल के अगर हम साथ आ जाते हैं तो शायद इन्हें लगता है कि लोग हमें अब बीजेपी का नहीं समझेंगे, हमें एक दूसरी पार्टी का समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत अभी भी अकाली दल और बीजेपी का अलायंस बरकरार है। यह फैसला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है कि अब हम अपने नेताओं को अकाली दल में भेजेंगे, ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन कराएंगे, ताकि हमारा जो अलायंस है, बीजेपी और अकाली दल का अलायंस है, वो बरकरार रहे, चलता रहे। मैं पंजाब के लोगों को सावधान करना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं कि आज आपको ये बात समझ आ गई, आपके सामने प्रूव हो गई कि पूरी तरीके से अकाली दल और बीजेपी साथ रल के मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। अकाली दल ने बीजेपी के सारे नेताओं को ले लिया है, बीजेपी ने अपने सारे नेताओं को अकाली दल में ट्रांसफर कर दिया है और अकाली दल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं,
वोट फॉर अकाली दल इज इक्वल टू वोट फॉर बीजेपी. अकाली दल को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, और बीजेपी को वोट देना मतलब अकाली दल को वोट देना. ये आज भी पूरी तरीके से पंजाब की सियासत में ये अलायंस, ये रिश्ता बरकरार है, शायद पहले से और गहरा हो गया है. पहले तो बीजेपी के नेता अपनी टिकट पे लड़ते थे, अकाली दल के अपनी टिकट पे लड़ते थे, लेकिन एक प्री पोल अलायंस करते थे, चुनावों से पहले गठबंधन करते थे. अब गठबंधन इन्होंने तोड़ दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने सारे नेता अकाली दल को ट्रांसफर कर दिए. अब ये अकाली दल बेसिकली बीजेपी बन गई है. और प्रधानमंत्री मोदी जी के स्तर पे लिया गया फैसला ये है कि क्योंकि अब बीजेपी का कोई अपने नाम से आधार नहीं बचा है, तो पंजाब की सत्ता कब्जाने के लिए, पंजाब की सत्ता हासिल करने के लिए अब बीजेपी अकाली दल में मर्ज हो जाएगी. और बीजेपी अकाली दल आज भी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब में, ये सिद्ध हो गया. हम देख रहे हैं कि रोजाना सिर्फ बीजेपी के नेता, बीजेपी के आगू, बीजेपी के एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर, सिटिंग एमएलए, पूर्व में एमसी रहा, कोई पंचायत में नेता रहा, सारे लोग बीजेपी को छोड़ सिर्फ एक ही पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी का नाम है अकाली दल, और किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक डेंजरस प्लान, एक बहुत खतरनाक रणनीति के तहत शिरोमणि अकाली दल पंजाब में काम कर रही है. उन्होंने सारा बीजेपी अपनी पार्टी में ले लिया है, उन्होंने एक प्रकार से बीजेपी को अकाली दल में मर्ज करा दिया. इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि सावधान हो जाइए, अकाली दल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है. अकाली दल भी मोदी की पार्टी है, बीजेपी भी मोदी की पार्टी है. बीजेपी तो शुरू से ही मोदी की पार्टी थी, अब अकाली दल भी मोदी की पार्टी बन गई, और मोदी जी ही अकाली दल चला रहे हैं. मोदी जी के कहने पे ही सारे बीजेपी के नेता अकाली दल में आए हैं. वोट फॉर अकाली दल इज इक्वल टू वोट फॉर बीजेपी, ये आज की सच्चाई है, और ये सिद्ध हो गया है लगातार जो ज्वाइनिंग्स अकाली दल में हो रही हैं उनसे. आज की भी ये लंबी फहरिस्त है जिसमें हम सबने देखा कि कई नेता, दर्जनों नेता बीजेपी के बड़े स्तर के नेता अपने सारे कार्यकर्ताओं, वर्कर्स, काडर के साथ आज अकाली दल में शामिल हो गए. तो अब हमें सावधान रहना है और अकाली दल और बीजेपी की इस खतरनाक अलायंस, इस खतरनाक रणनीति से आगाह रहना है. ऐसी ही मैं को कामना करता हूं कि हम सब इनसे आगाह रहें, खतरनाक अलायंस है और इससे बच के हम सब चलें. बहुत बहुत शुक्रिया.